साथियों, कुछ दिन पहले मैं जापान गया था। अपने कई कार्यक्रमों के बीच मुझे कुछ शानदार शख्सियतों से मिलने का मौका मिला। मैं मन की बात में आपसे उनके बारे में चर्चा करना चाहता हूं। वे लोग हैं तो जापान के, लेकिन भारत के प्रति इनमें गजब का लगाव और प्रेम है। इनमें से एक है हिरोशी कोइके जी, जो एक जाने माने आर्ट डायरेक्टर है। आपको ये जानकर बहुत ही खुशी होगी कि इन्होंने महाभारत प्रोजेक्ट को डायरेक्ट किया है। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत कंबोडिया में हुई थी और पिछले 9 सालों से ये निरंतर जारी है। हिरोशी कोइके जी हर काम बहुत ही अलग तरीके से करते हैं। वे हर साल एशिया के किसी देश की यात्रा करते हैं और वहां लोकल आर्टिस्ट और म्यूजिशियंस के साथ महाभारत के कुछ हिस्सों को प्रोड्यूस करते हैं। इस प्रोजेक्ट के माध्यम से उन्होंने इंडिया, कंबोडिया और इंडोनेशिया सहित 9 देशों में प्रोडक्शन किए हैं और स्टेज परफॉर्मेंस भी दी है। हिरोशी कोइके जी उन कलाकारों को एक साथ लाते हैं जिनका क्लासिकल और ट्रेडिशनल एशियन परफॉर्मिंग आर्ट्स में डाइवर्स बैकग्राउंड रहा है। इस वजह से उनके काम में विविध रंग देखने को मिलते हैं। इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया और जापान के परफॉर्मर्स जावा नृत्य, बाली नृत्य, थाई नृत्य के जरिए इसे और आकर्षक बना देते हैं। खास बात यह है कि इसमें प्रत्येक परफॉर्मर अपनी ही मातृभाषा में बोलता है और कोरियोग्राफी बहुत ही खूबसूरती से इस विविधता को प्रदर्शित करती है और म्यूजिक की डाइवर्सिटी इस प्रोडक्शन को और जीवंत बना देती है। उनका उद्देश्य इस बात को सामने लाना है कि हमारे समाज में डाइवर्सिटी और को एग्जिस्टेंस का क्या महत्व है और शांति का रूप वास्तव में कैसा होना चाहिए। इनके अलावा मैं जापान में जिन अन्य 2 लोगों से मिला वे हैं आत्सुशी मात्सुओ जी और केंजी योशी जी। ये दोनों ही टेम प्रोडक्शन कंपनी से जुड़े हैं। इस कंपनी का संबंध रामायण की उस जापानीज एनिमेशन फिल्म से है जो 1993 में रिलीज हुई थी। यह प्रोजेक्ट जापान के बहुत ही मशहूर फिल्म डायरेक्टर युगो साकोजी से जुड़ा हुआ था। करीब 40 साल पहले 1983 में उन्हें पहली बार रामायण के बारे में पता चला था। रामायण उनके हृदय को छू गई, जिसके बाद उन्होंने इस पर गहराई से रिसर्च शुरू कर दी। इतना ही नहीं, उन्होंने जापानी भाषा में रामायण के 10 वर्जन्स पढ़ डाले और वो इतने पर ही नहीं रुके, वे इसे एनिमेशन में भी उतारना चाहते थे। इसमें इंडियन एनिमेटर्स ने भी उनकी काफी मदद की। उन्हें फिल्म में दिखाए गए भारतीय रीति रिवाजों और परंपराओं के बारे में गाइड किया गया। उन्हें बताया गया कि भारत में लोग धोती कैसे पहनते हैं, साड़ी कैसे पहनते हैं, बाल कैसे बनाते हैं, बच्चे परिवार के अंदर एक दूसरे का मान सम्मान कैसे करते हैं, आशीर्वाद की परंपरा क्या होती है, प्रातः उठ करके अपने घर के जो सीनियर है उनको प्रणाम करना, उनके आशीर्वाद लेना, ये सारी बातें। अब 30 सालों के बाद यह एनिमेशन फिल्म फिर से 4K में रीमास्टर की जा रही है। इस प्रोजेक्ट के जल्द ही पूरा होने की संभावना है। हमसे हजारों किलोमीटर दूर जापान में बैठे लोग जो न हमारी भाषा जानते हैं, जो न हमारी परंपराओं के बारे में उतना जानते हैं, उनका हमारी संस्कृति के लिए समर्पण, ये श्रद्धा, ये आदर बहुत ही प्रशंसनीय है। कौन हिंदुस्तानी इस पर गर्व नहीं करेगा। मेरे प्यारे देशवासियों, स्व से ऊपर उठकर समाज की सेवा का मंत्र
सेल्फ फॉर सोसाइटी का मंत्र हमारे संस्कारों का हिस्सा है। हमारे देश में अनगिनत लोग इस मंत्र को अपना जीवन ध्येय बनाए हुए हैं। मुझे आंध्र प्रदेश में मरकापुरम में रहने वाले एक साथी राम भूपाल रेड्डी जी के बारे में जानकारी मिली है। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि राम भूपाल रेड्डी जी ने रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली अपनी सारी कमाई बेटियों की शिक्षा के लिए दान कर दी है। उन्होंने करीब करीब 100 बेटियों के लिए सुकन्या समृद्धि योजना के तहत खाते खुलवाए और उसमें अपने 25 लाख से ज्यादा रुपये जमा करवा दिए। ऐसे ही सेवा का एक और उदाहरण यूपी में आगरा के कचोरे गांव का है। काफी साल से इस गांव में मीठे पानी की किल्लत थी। इस बीच गांव के एक किसान कुंवर सिंह को गांव से 6-7 किलोमीटर दूर अपने खेत में मीठा पानी मिल गया। ये उनके लिए बहुत खुशी की बात थी। उन्होंने सोचा क्यों न इस पानी से बाकी सभी गांव वासियों की भी सेवा की जाए। लेकिन खेत से गांव तक पानी ले जाने के लिए 30-32 लाख रुपए चाहिए थे। कुछ समय बाद कुंवर सिंह के छोटे भाई श्याम सिंह सेना से रिटायर होकर गांव आए तो उन्हें ये बात पता चली। उन्होंने रिटायरमेंट पर मिली अपनी सारी धनराशि इस काम के लिए सौंप दी और खेत से गांव तक पाइपलाइन बिछाकर गांव वालों के लिए मीठा पानी पहुंचाया। अगर लगन हो, अपने कर्तव्यों के प्रति गंभीरता हो, तो एक व्यक्ति भी कैसे पूरे समाज का भविष्य बदल सकता है, ये प्रयास इसकी बड़ी प्रेरणा है। हम कर्तव्य पथ पर चलते हुए ही समाज को सशक्त कर सकते हैं, देश को सशक्त कर सकते हैं। आजादी के इस अमृत महोत्सव में यही हमारा संकल्प होना चाहिए और यही हमारी साधना भी होनी चाहिए, और जिसका एक ही मार्ग है कर्तव्य, कर्तव्य और कर्तव्य। मेरे प्यारे देशवासियों, आज मन की बात में हमने समाज से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की। आप सब अलग अलग विषयों से जुड़े महत्वपूर्ण सुझाव मुझे भेजते हैं और उन्हीं के आधार पर हमारी चर्चा आगे बढ़ती है। मन की बात के अगले संस्करण के लिए अपने सुझाव भेजना भी मत भूलिएगा।